हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज ब्रिजेस। ब्रिजेस हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं टू कनेक्ट टू लैंस। तो अगर हम बात करें हब्स की, जैसे कि मैंने हब की वीडियो में बताया था कि हब भी यूज कर सकते हैं हम टू लैंस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ब्रिजेस के केस में आप याद रखना, ब्रिजेस आर यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट लैंस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टू डिफरेंट लैंस। मतलब अगर मैं ब्रिज यूज कर रहा हूं तो हो सकता है कि एक तरफ हम टोकन रिंग को यूज कर रहे हैं, टोकन रिंग लैन को यूज कर रहे हैं जहां पे रिंग टोपोलॉजी है, और दूसरी तरफ हम यूज कर रहे हैं टोकन बस को, इथरनेट को। टोकन बस में हमारे पास बस टोपोलॉजी है, तो टू डिफरेंट लैंस को हम ब्रिजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखना, टू मतलब ब्रिजेस हम जनरली यूज करते हैं टू लैंस को कनेक्ट करने के लिए। और ब्रिज मतलब ब्रिज का नेम क्यों दिया है, जनरली अगर आप बात करो ब्रिज की, तो ब्रिज के एक तरफ और दूसरी तरफ अगर दो एरियाज को कनेक्ट करना है तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, ब्रिजेस को, फ्लाईओवर जैसे हम बोलते हैं, सो ब्रिजेस को हम वहां पे यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब है कि अगर ब्रिज के पास कोई पैकेट आता है, क्या ब्रिज उसको आगे फॉरवर्ड करता है? यस। ये देखो, यहां पे मैंने ब्रिजेस एक ब्रिज बनाया, M1, M4 इस तरफ है, P1 इंटरफेस है। P1 क्या है, ब्रिज का इंटरफेस है, ब्रिज का पोर्ट है, और P2 भी क्या है, ब्रिज का पोर्ट है। तो P2 के साथ ये चार डिवाइसेस कनेक्ट है और P1 के साथ ये चार डिवाइस। अगर M1 अगर पैकेट भेज रहा है M7 को, M1 अगर पैकेट भेज रहा है M7 को, तो उस पैकेट में क्या लिखा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे क्या है, सोर्स का मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो ब्रिजेस जो है वो फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेटा लिंक लेयर का मतलब है कि ब्रिजेस मैक लेयर, मैक एड्रेस को चेक कर सकते हैं। मैक एड्रेस को चेक करने का मतलब है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि पैकेट को आगे भेजना है या नहीं भेजना। जैसे कि अगर मैं बात करूं M1 M6 को अगर पैकेट भेज रहा है, M1 ने जब M6 को डेटा भेजा, तो ब्रिज वो चेक करेंगे कि क्या ये मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस तरफ है या इस तरफ है। अगर ये मैक एड्रेस इस तरफ है तो ये आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ब्रिजेस जो है वो डेफिनेटली फॉरवर्ड कर सकते हैं पैकेट को, लेकिन ये मैक एड्रेस को कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिल्टरिंग के केस में, फिल्टरिंग क्या है कि अगर मुझे पैकेट को रोकना है, लेट्स से कि M1 अगर पैकेट भेज रहा है M3 को, अगर M1 M3 को पैकेट भेज रहा है तो मैसेज जो है वो ब्रिज के पास भी जाएगा, लेकिन इस केस में ब्रिज डिसाइड कर सकता है कि यार M3 तो इस तरफ ही है, M3 तो इस तरफ ही है, तो मुझे पैकेट को आगे नहीं भेजना। ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये रिपीटर या हब में नहीं था, क्योंकि ब्रिजेस में डेटा लिंक लेयर है तो मैक एड्रेस एक्चुअली चेक होता है। यहां पे कैसे चेक करते हैं वो हम यहां पे बात करते हैं। ब्रिजेस जो है जल्दी दो तरीके से हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, टू टाइप्स है, स्टैटिक ब्रिजेस, डायनामिक ब्रिजेस। स्टैटिक ब्रिज का मतलब है कि ब्रिजेस जो है जनरली एक टेबल मेंटेन करते हैं, जैसे राउटर्स जो है राउटिंग टेबल मैनेज करते हैं, ऐसे ही ब्रिजेस जो है वो भी एक टेबल मैनेज करते हैं जिसमें मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स। इसमें होता क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली टाइप करता है कि कौन सी मशीन किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। कैसे, ये देखो M1, M2, M3, M4 ये चारों मशीन्स P1 पोर्ट के साथ है, तो वो मैनुअली टाइप करेगा कि ये चारों P1 के साथ कनेक्टेड है, और M4, M5, 6, 7 एंड 8 ये P2 पोर्ट के साथ कनेक्ट है, तो वो मैनुअली टाइप कर देगा कि ये मशीन्स जो है वो P2 के साथ कनेक्ट है। अब जैसे ही ब्रिज के पास, ये वाला टेबल कहां पड़ा है, ब्रिज के पास पड़ा है, जैसे ही अगर M1 ने M5 को मैसेज भेजना है, M1 ने M5 को मैसेज भेजना है, तो उस मैसेज में होगा क्या, सोर्स एड्रेस M1, डेस्टिनेशन एड्रेस M5, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको सिर्फ मेन ये एड्रेस ही इंपॉर्टेंट है कि सोर्स एड्रेस M1, डेस्टिनेशन एड्रेस M5। जैसे ये ब्रिज के पास आया तो ब्रिज देखेगा, अच्छा डेस्टिनेशन कौन है, M5, M5 किस तरफ है, P2, P2 का मतलब है इस पैकेट को ये फॉरवर्ड कर देगा कि जा इस तरफ, चला जा। तो इस ये एक्चुअल में फॉरवर्डिंग है, तो फॉरवर्डिंग जो है वो इस टेबल को देख के की जाती है। फिल्टरिंग का मतलब है, लेट से M1 M3 को पैकेट भेज रहा है या मैसेज भेज रहा है,
जब M1 M3 को पैकेट भेज रहा है तो जब वो मैसेज जाएगा, जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचा, ब्रिज ने देखा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, M3, तो उसने देखा अपने टेबल में M3 P1 पोर्ट के साथ कनेक्ट है, तो उससे वो डिसीजन लेगा, अरे M3 तो इस तरफ ही है, तो वो इस पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, फिल्टर कर देगा। फिल्टर का मतलब है रोकना, हमें इस पैकेट को ऑब्वियसली रोकना ही है, because M1 want to send to M3, तो मैं इसको आगे फॉरवर्ड क्यों करूं, अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं बढ़ाना। तो इस चीज को कौन रोकता है, ब्रिजेस रोकते हैं, रिपीटर या हब में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों रोक पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें स्टैटिक ब्रिज की, तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज हो गया, जनरली मैक एड्रेस ऐसे चेंज नहीं होता, बट हमारे सिस्टम में मल्टीपल मैक एड्रेसेस है, वाईफाई का अपना मैक एड्रेस है, वायर्ड का अपना मैक एड्रेस है, और इवन वी कैन चेंज, जनरली वी डोंट चेंज द मैक एड्रेस, बट वी कैन चेंज द मैक एड्रेस। और अगर मैंने मैक एड्रेस चेंज किया, लेट्स से कि मैंने मैक एड्रेस ऑफ M2 बिकम्स 20, तो मुझे दोबारा से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा कि M2 जो था वो M20 बन गया। तो यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं है, यहाँ पे हमेशा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आके चेंज करेगा डेटा को। या फिर अगर कोई मशीन इंटरफेस चेंज कर लेती है, मतलब कोई मशीन है, लेट्स से क्योंकि हम लैन की बात करें, तो लेट्स से एक कॉलेज में एक लैब में पीसी लगा हुआ है, उसको मैंने पीसी को निकाल के किसी दूसरी लैब में शिफ्ट कर दिया, तो इस केस में इंटरफेस चेंज हो गया, तो M2 जो था या M4 पहले P1 के साथ कनेक्ट था, अब हो सकता है वो P2 के साथ कनेक्ट हो, तो इस केस में दोबारा से मैनुअली टाइप करके चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज ब्रिज खुद तो लर्न नहीं कर पा रहा। तो स्टैटिक ब्रिज हम जनरली कम यूज करते हैं, डायनामिक ब्रिजेस या जिनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस, उनको हम यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस क्या है, वो लर्न करते हैं। लर्न कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें डायनामिक ब्रिजेस की, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा टेबल एम्प्टी है। पूरा का पूरा टेबल क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है कि कोई टाइप नहीं किया हुआ। तो इस केस में होगा क्या, लेट्स से M1 ने पैकेट भेजा M6 को, M1 ये रहा, M1 ने पैकेट भेजा M6 को, तो ये पैकेट जब वो भेजेगा, जैसे ये पैकेट ब्रिज के पास आया, तो वहां पे ब्रिज ने देखा, अच्छा M1 सोर्स एड्रेस है, M6 डेस्टिनेशन एड्रेस है, लेकिन यहां तो कोई एंट्री नहीं है, तो वो कैसे करेगा इस चीज को, तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब है ये आगे भी फॉरवर्ड कर देगा, और इनको तो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे, इनको तो पहले ही मिल जाएंगे, ये आगे भी फॉरवर्ड कर देगा, मतलब सबको ये पैकेट जाएगा। जैसे ही ये सबको पैकेट गया, सबसे पहले तो उसने क्या किया, एक एंट्री कर ली, अच्छा M1 से पैकेट आया और M6 डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि M1 से जो पैकेट आया वो P1 पोर्ट के थ्रू आया, तो उसने एक एंट्री कर ली M1 P1, लेकिन उसको M6 का नहीं पता कि M6 P1 के साथ कनेक्ट है या P2 के साथ, तो इसने क्या किया, सबको फॉरवर्ड कर दिया, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया पैकेट। जब M6 ने इस पैकेट को लिया, वो जब रिप्लाई भेजेगा कि हाँ ये पैकेट मेरे को आ गया, अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट का मतलब रिप्लाई भेज रहा है कि आई गॉट द पैकेट। जब उसने रिप्लाई भेजा M6 ने, तो उसमें होगा क्या, सोर्स एड्रेस M6, डेस्टिनेशन एड्रेस M1। तो जब ये पैकेट ब्रिज के पास आया, तो ब्रिज बोलेगा ओके M6 सोर्स एड्रेस है, तो सोर्स मतलब इस तरफ है, तो इस तरफ से मैसेज कहां से आया, P2 से आया, तो यहां पे वो एंट्री डाल देगा कि M6 जो है वो P2 के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ इट लर्न्स। तो जब भी ब्रिज डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस तरफ भेजना है, तो वो जनरली ब्रॉडकास्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही रिप्लाई आते हैं, वो साथ की साथ क्या करेगा, अपना टेबल मेंटेन कर लेगा। तो टेबल मेंटेन का मतलब है कि वो इस तरीके से टेबल बनाता रहेगा कि M7 लेट्स से P2 के साथ कनेक्ट है, M4 P1 के साथ कनेक्ट, इस तरीके से वो टेबल अपना बनाता रहेगा। तो अगर हम स्टैटिक और डायनामिक को कंपेयर करें, तो डायनामिक में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, इनिशियली ये टाइम लेगा, क्योंकि इस टेबल को मेंटेन करने में कुछ टाइम लगेगा, इस टेबल को बनाने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन
रियल लाइफ में ये यूज करना बेटर है, बिकॉज इसमें बार बार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ब्रिज अपने एंड पे डेटा को चेंज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो लर्न करते जा रहे हैं वो डेटा को चेंज करते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन बाद में ये परफॉर्म अच्छा करेगा एज कंपेयर टू द स्टैटिक। तो जैसे ही अगर किसी की मशीन चेंज हुई तो कोई बात नहीं, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगर कोई एड्रेस चेंज हुआ तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वो फॉरवर्ड करेगा या ब्रॉडकास्ट करेगा, दूसरी बार वो फिल्टर कर सकता है, क्योंकि दूसरी बार उसके पास एड्रेसेस जो है वो टेबल तैयार होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिजेस जो है डायनामिक ब्रिजेस यूज करते हैं, तो उसके बेस पे वो फॉरवर्डिंग या फिल्टरिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन अगर हम फाइंड करें कि क्या ब्रिज के अंदर, कोलिजन डोमेन हम फाइंड करें ब्रिज के अंदर, क्या ब्रिज के अंदर कोलिजन अक्कर हो सकता है? नो। हब्स के अंदर हो सकता है, रिपीटर्स के अंदर हो सकता है, लेकिन ब्रिज के अंदर कोलिजन अक्कर नहीं होगा। द रीजन इज ब्रिज यूज द स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रेटजी का मतलब है कि वो पैकेट को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करने के बाद फॉरवर्ड करते हैं। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब है ब्रिज में अपना एक बफर होता है, मेमोरी होती है, तो जो पैकेट आया उसने बफर में रख लिया, उसी टाइम पे दूसरा पैकेट आया तो वो भी बफर में रख लिया, कोलिजन नहीं होगी। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें रिपीटर या हब में, जहां पे कोलिजन जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एन। एन का मतलब है मैक्सिमम कोलिजन अक्कर हो सकती है, लेकिन ब्रिजेस के अंदर कोलिजन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दैट, बिकॉज ब्रिज का अपना एक बफर यूज होता है जो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक को यूज करता है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ब्रिजेस डेटा यूनिट प्रोटोकॉल। ब्रिजेस जो है वो डेटा यूनिट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। रीजन क्या है इसका? लूप्स को हटाने के लिए। लूप्स, लूप्स का मतलब है कि कई बार पैकेट जो है वो लूप में फंस जाता है, मल्टीपल पाथ होंगे तो वो लूप में फंस जाएगा। तो हमारे पास राउटर में तो इसको लूप को हटाने के लिए TTL फील्ड होती है, टाइम टू लिव फील्ड, लेकिन ब्रिज में ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ब्रिज के अंदर कोई ऐसा फील्ड नहीं है। तो ब्रिजेस क्या करते हैं, स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, और स्पैनिंग ट्री वो इस प्रोटोकॉल के बेस पे बनाते हैं। और स्पैनिंग ट्री बनाने से उनको क्या पता लग जाता है कि कोई भी पैकेट जो है वो किस तरफ फॉरवर्ड करना है, और स्पैनिंग ट्री में कोई भी लूप नहीं होता, तो उन स्पैनिंग ट्री की हेल्प से वो लूप्स को, ताकि पैकेट जो है वो परमानेंट लूप में ना फंसा रहे, उस चीज को वो हटा देते हैं। तो ये जो मेजर पॉइंट्स हैं अबाउट ब्रिजेस, ये आपको यूजीसी नेट में, स्पेशली यूजीसी नेट, या अगर आप PSU एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंक के अंदर IT ऑफिसर का भी एक एग्जाम होता है, इस तरीके के अगर पेपर की हम बात करें, गेट में ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यूजीसी नेट या PSU में ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये पॉइंट्स जो है आप डेफिनेटली याद करके जाना, इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थैंक यू।